हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अजय टेक हिंदी में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जो है अपने टिकटॉक आईडी को हमेशा के लिए कैसे डिलीट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हाँ फ्रेंड्स, अपने जो है टिकटॉक आईडी को परमानेंटली डिलीट कैसे कर सकते हो, भी हमेशा के लिए। फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, हमें जब भी हमको लोग टिकटॉक आईडी बनाते हैं उसमें मोबाइल नंबर या जीमेल डालते हैं, उसे हटाना रिमूव करना बहुत आवश्यकता होता है। फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं वही आपको बताने वाला हूँ कि जो है आप अपने टिकटॉक आईडी को कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूँ फ्रेंड्स, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए आए हैं तो लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं इस तरह से वीडियो लाता रहता हूँ। यदि आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लिए हैं तो उसके लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको जाना पड़ेगा अपने टिकटॉक एप्लीकेशन में, आपको जो कि ये दिख रहा होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इस पर जाना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे मैंने क्लिक किया तो हमारा इस तरह से आ गया फ्रेंड्स। आप देख रहे होंगे, दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं, इस तरह से आ जाएगा फ्रेंड्स। आप उसके बाद फ्रेंड्स, आपको जो है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मी, तो फ्रेंड्स आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए, मैंने जैसे ही क्लिक किया फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं इस तरह से आ गया फ्रेंड्स। तो उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे जो थ्री डॉट है यहाँ पर, आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा फ्रेंड्स। आप जिस पर देख सकते हैं, आपको फ्रेंड्स ये क्लिक करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आप चलिए हम क्लिक करते हैं फ्रेंड्स। ये आप देख सकते हैं, जैसे मैंने क्लिक किया तो फ्रेंड्स हमारा जो है, जैसे मैंने क्लिक किया हमारा इस तरह से आ गया। तो आपको इस पर पहले पर जाना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जो है पहले पर जाते हैं, मैनेज योर अकाउंट। उसके बाद फ्रेंड्स, जैसे इस पर गए उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ला जो है देख सकते हैं डिलीट अकाउंट। इस पर आपको फ्रेंड्स आपको क्लिक करना पड़ेगा फ्रेंड्स। आप जो है आपको हमेशा के लिए डिलीट करने के लिए, उसके बाद फ्रेंड्स आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम क्लिक करते हैं जी। आप देख सकते हैं, जैसे मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक किया तो थोड़ा समय लिया और इस तरह से फ्रेंड्स आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है थोड़ा नेट, किसी जैसे आपका नेट चलेगा उसी हिसाब से फ्रेंड्स काम करेगा। तो आप देख सकते हैं इस समय मेरा आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सेंड कोड, यहाँ पर कंटिन्यू, यहाँ पर वेरीफिकेशन कोड लेगा। तो आप देख सकते हैं, चलिए जो है हम यहाँ पर कर दिए, यहाँ पर सेंड कोड, यहाँ पर सेकेंड चल रहा है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप जैसे किए हैं आ जाएगा फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी यहाँ पर वेरिफिकेशन जो होता है वहाँ पर कोड आएगा, उसके बाद ये डालेंगे, उसके बाद जो है अकाउंट डिलीट का ऑप्शन आएगा। आप देख सकते हैं जो कि हमारा आ गया। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डाल देते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको डाल देंगे। उसके बाद देख सकते हैं, जैसे फ्रेंड्स मेरा आया उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू किए, जैसे मैंने कंटिन्यू किया तो फ्रेंड्स कंटिन्यू करने के बाद, जैसे ही मैंने कंटिन्यू किया इस तरह से आ गया फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं यहाँ से लिखा है डिलीट योर अकाउंट। आपको यदि डिलीट करना है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, जैसे ही आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स आपका दो मिनट बाद, एक सेकेंड बाद कुछ फिर यस या नो करेगा। उसके बाद आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे आप ये करेंगे उसके बाद ये ऑप्शन आ जाएगा। यदि आप इसे डिलीट कर देते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आपका डिलीट हो जाएगा, यदि नहीं करना है तो नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आप इसी तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अभी हमको करना नहीं है, हम कैंसिल कर दे रहे हैं। आप भी को यदि करना है आप ऐसे कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं अगर नेक्स्ट वीडियो में।